नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। गांठ गोभी यानी कि नोल खोल को हम कई तरीके से बनाते हैं। गांठ गोभी आलू, गांठ गोभी फ्राई, गांठ गोभी बटर मसाला, लेकिन आज हम गांठ गोभी को उसके पत्तों के साथ में मिलाकर गांठ गोभी करी बनाएंगे। बहुत ही स्वादिष्ट करी बनेगी, तो गांठ गोभी करी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने ये तीन गांठ गोभी ले लिए हैं और ये 500 ग्राम गांठ गोभी है और इसके ऊपर ये पत्ते होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मूली के ऊपर पत्ते होते हैं। नरम नरम पत्ते निकाल लिए, जो मोटी और सख्त डंडियाँ थी वो हटा दी। पत्तों को अच्छे तरीके से पानी में धो लिया और सुखा लिया और इन्हें बारीक काटेंगे। तो हमने ये पहले से थोड़े से बिल्कुल नरम पत्ते काट करके रख लिए हैं, तो ये हम कटे हुए पत्ते ले लेते हैं, इन्हें हटा देते हैं और ये गांठ गोभी हम काट करके तैयार कर लेते हैं। तो गांठ गोभी को हम काट लेते हैं। गांठ गोभी को काटने के लिए पहले हमें इसे छीलना होगा। हमने इसे पहले ही पानी में अच्छे तरीके से धो कर ले लिया है, इसका डंठल काट करके हटा देंगे और जो मोटा थोड़ा डार्क कलर का छिलका है उसे छील देंगे। इस तरीके से जो लाइट कलर का गांठ गोभी अंदर से निकल रहा है वो रहने देंगे, ऊपर से मोटा सारा छिलका हटा देंगे। इसका छिलका थोड़ा सा मोटा ही होता है। और गांठ गोभी को हम काट लेते हैं, तो हम इसके करीब आधा पौना इंच के टुकड़े कर लेंगे। सारे गांठ गोभी को हम काट करके तैयार कर लेते हैं। ये गांठ गोभी हमने काट करके तैयार कर लिया, पत्ते हमारे पहले से कटे हैं, तो हम इसे बनाना शुरू करते हैं। पैन गरम कर लेते हैं और पैन में हम एक टेबल स्पून तेल डाल देंगे। तेल हमारा गरम हो गया है और तेल में हम एक चौथाई छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा भुनने के बाद ये हम कटा हुआ गांठ गोभी डालेंगे और आधा छोटी चम्मच नमक डाल देंगे। मिक्स कर देंगे और अब हम आधा कप पानी डालेंगे और गांठ गोभी को ढक कर के पहले हम 5-6 मिनट पकने देते हैं, इसके बाद चेक करेंगे। तो इधर हम गांठ गोभी को पकने देते हैं, तब तक हम ये टमाटर काट करके तैयार कर लेते हैं। ये हमने दो टमाटर ले लिए हैं, 150 ग्राम टमाटर हैं और इन्हें हम बारीक काट लेते हैं। हम ये गांठ गोभी चेक कर लेते हैं। 5 मिनट में पहले हमने एक बार ये चला दिए थे और 5 मिनट पकने दिया है, यानी कि 10 मिनट हो गए हैं, हम इन्हें चेक करते हैं। लेकिन 10 मिनट में भी हमारे गांठ गोभी अभी पूरे तरीके से नरम नहीं हुए हैं और इसमें हमें पानी भी नहीं दिख रहा है, तो हम इसमें पानी आधा कप पानी और डाल देते हैं और इसे ढक कर के फिर से 5 मिनट पकने देते हैं। गैस हम थोड़ी मीडियम और धीमी रखेंगे और जब तक ये पकेंगे तब तक हम दूसरे पैन में मसाला भून करके तैयार करेंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि ये पैन इधर रख लेते हैं अपने पास और इस पैन को हम इधर रख देते हैं, गैस ऑन कर देते हैं और ये गांठ गोभी हमारे इधर पक रहे हैं, इधर हम इनके लिए मसाला भून करके तैयार कर लेते हैं। तो पैन गरम होने देते हैं। ये पैन हमारा गरम हो गया है, इसमें हम 2 टेबल स्पून तेल डाल देंगे। तेल को गरम होने देते हैं। तेल गरम हो गया है और तेल में हम चौथाई छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे। गैस थोड़ी धीमी कर देते हैं ताकि हमारे मसाले जल्दी से जले ना, और एक पिंच हींग डालेंगे, चौथाई छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट। अदरक का पेस्ट नहीं है तो 1 इंच अदरक का टुकड़ा कद्दूकस करके ले लें, या फिर आधा छोटी चम्मच
जिंजर पाउडर भी डाल सकते हैं। और ये दो हमने हरी मिर्च छोटी छोटी काटी हैं, ये भी डाल देते हैं। मसाले को थोड़ा सा भूनेंगे और अब हम ये जो टमाटर हमने काट के रखे हैं वो डाल देते हैं। एक चौथाई छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। और अगर आप थोड़ा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर ले सकते हैं। और अगर सब्जी को एकदम कम तीखी बनाना चाहें तो लाल मिर्च नहीं डालें, इसमें हरी मिर्च है, अदरक है, उससे भी अच्छा तीखापन आ जाता है, तो हल्की तीखी वाली सब्जी बन जाएगी। और अब हम डालेंगे एक छोटी चम्मच सौंफ पाउडर। मसाले को अच्छे तरीके से भूनते हैं, टमाटर को मैश होने देंगे और मसाले के ऊपर तेल तैरने तक हम इसे भूनेंगे। तो हम मसाले को धीमी आग पर भूनते हैं। ये हमारा मसाला भुन गया है और टमाटर मैश हो गए हैं और तेल मसाले से अलग हो रहा है। मसाला भुनकर तैयार है। अब हम इसमें गांठ गोभी के जो पत्ते हमने बारीक काट करके रखे हैं वो डाल देते हैं और आधा छोटी चम्मच नमक डाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं। पत्ते बड़े नरम होते हैं और बहुत जल्द पक जाते हैं। अब हम अपने गांठ गोभी भी चेक कर लेते हैं। तो गांठ गोभी को हम दबा करके देखें, गांठ गोभी नरम हो गए हैं, गांठ गोभी हमारे पक गए हैं। ये वाली गैस बंद कर देते हैं और जो मसाला और पत्ते हैं उसमें हम पके हुए गांठ गोभी मिक्स कर लेते हैं। गांठ गोभी को पकने में पूरे 20 से 22 मिनट लग जाते हैं, थोड़ी देर में पकता है। तो ये धीरे धीरे पकता रहा था, इधर हमने मसाला तैयार कर लिया। ये गांठ गोभी मसाले में मिक्स करते हैं। हमारी सब्जी भी बहुत जल्दी बनके तैयार हो गई। अगर सब्जी को हमें एकदम सूखा रखना है तो जस्ट हम सब्जी को मिक्स करेंगे अच्छे से और एक दो मिनट इसे पका दें। इसी तरीके से मिक्स करते हुए सब्जी तैयार हो जाएगी। अगर हमें सब्जी में थोड़ी सी तरी चाहिए, सब्जी में हम आधा कप पानी डाल देते हैं और सब्जी को थोड़ी देर उबाल आने तक चलाते हुए पका लेते हैं, एक दो मिनट। सब्जी को हमने मसाले वगैरह सारा मिक्स करने के बाद पूरा 3 मिनट तक धीमी आग पर पका लिया है। हमने सब्जी को खुले ही पकाया ताकि हमारे ये पत्ते अच्छे ग्रीन दिखते रहें। हमारी सब्जी बन करके तैयार है। सब्जी को हम प्याले में निकाल लेते हैं। गांठ गोभी करी बन करके तैयार है। बहुत ही अच्छी करी बनी है और थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से डाल करके हम सब्जी की गार्निश कर देते हैं। गांठ गोभी करी को चपाती, पराठे, नान या चावल किसी के भी साथ परोसा जा सकता है और इतनी सब्जी परिवार के 3-4 सदस्यों के लिए पर्याप्त है। आप गांठ गोभी करी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।